मेटफॉर्मिन मेडिसिन इन PCOS, PCOD के केस में अक्सर मेटफॉर्मिन मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। जब भी आपको मेटफॉर्मिन दी जाए तो दो चार क्वेश्चंस आपके ज़रूर होंगे। पहली चीज़ तो ये सबको पता है कि मेटफॉर्मिन शुगर की मेडिसिन है, तो आप जेन्युइनली सोचोगे कि अगर मुझे शुगर नहीं है तो मैं शुगर की मेडिसिन क्यों लूँ। दूसरा आपका डाउट होता है कि शुगर की मेडिसिन तो ज़िंदगी भर लेनी पड़ती है, तो अगर एक बार मेटफॉर्मिन स्टार्ट कर दी तो क्या ये हमेशा लेनी पड़ेगी। और तीसरी चीज़, मेटफॉर्मिन तो शुगर की मेडिसिन है, तो अगर मैं मेटफॉर्मिन लूँ तो मेरा शुगर डाउन तो नहीं हो जाएगा। इस वीडियो में यही कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि मेटफॉर्मिन किन केसेस में देना चाहिए, मेटफॉर्मिन का यूज़ क्या है PCOS में, अगर मेटफॉर्मिन नहीं लें तो क्या दिक्कत होगी, मेटफॉर्मिन के अलावा कोई और मेडिसिन है क्या जो हम ले सकते हैं, मेटफॉर्मिन के साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह। अब देखिए, जो मेटफॉर्मिन मेडिसिन है ना, ये एक स्पेशल टाइप की शुगर की मेडिसिन होती है। ये एक इंसुलिन सेंसिटाइजर है। तो मतलब देखिए, PCOD के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है बॉडी में। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब आपकी बॉडी में इंसुलिन तो रिलीज हो रहा है, इंसुलिन जो कि ज़रूरी होता है आपके बॉडी के शुगर लेवल को बैलेंस करने के लिए, वो PCOD में थोड़ा डिरेंज्ड होता है। मतलब उस इंसुलिन से बॉडी को रेजिस्टेंस होती है, मतलब आपकी बॉडी का इंसुलिन बन तो रहा है लेकिन आपकी बॉडी उसको अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, इस वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। शुगर आपका थोड़ा हायर साइड पे रहता है। ज़रूरी नहीं है ब्लड टेस्ट के अंदर शुगर आए, बट इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर बहुत सालों तक रहे तो 10-15 साल बाद डायबिटीज़ भी हो सकता है। ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है PCOD में, इसके कुछ लक्षण होते हैं जैसे कि ओबेसिटी, मतलब वज़न ज़्यादा होता है PCOD में, और आप कितना भी कोशिश कर लो, एक्सरसाइज कर लो, ये वज़न कम नहीं होता क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। दूसरी चीज़ है गले के पीछे, घुटनों पे, जांघों के बीच में कालापन होना, अक्सर एग नहीं बन पाते हैं, ओव्यूलेशन नहीं होती है। इसके अलावा कई बार इन्फेक्शंस भी बार बार हो सकते हैं। हॉर्मोन्स जो इरेगुलर होते हैं PCOD में, वो अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो जाते हैं और वो जनरल मेडिसिन से रिस्पॉन्ड भी नहीं करते अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस को ट्रीट ना किया जाए। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ना, ये एक स्पंज की तरह होता है PCOD में। जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं PCOD की, वो थोड़ी और बढ़ जाती हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस में। जो मेटफॉर्मिन टैबलेट है वो इंसुलिन सेंसिटाइज़र है। वो एक स्पेशल टाइप की शुगर की मेडिसिन होती है जो कि खुद बाहर से इंसुलिन नहीं देती, वो आप ही की बॉडी के जो इंसुलिन है ना उसकी सेंसिटिविटी बढ़ाती है। क्योंकि ये इंसुलिन सेंसिटाइजर है, ये एक तरह से नेचुरल वे में काम करता है, क्योंकि अब आपकी जो बॉडी का इंसुलिन जिसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ गई है, आपकी बॉडी अब उसको एक्सेप्ट करने लगती है। इस वजह से जो शुगर से रिलेटेड सिम्टम्स हैं जैसे वज़न का बढ़ना, वो कम हो जाता है, तो वेट लॉस दिखाई देता है इसके साथ में। साइकिल्स रेगुलर हो जाती हैं, आपके हॉर्मोन्स थोड़े रेगुलर होने लगते हैं, आपके जो गर्दन के पीछे का कालापन है जिसको एकैंथोसिस निग्रेकन्स कहते हैं, वो भी रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। आगे जाके अगर डायबिटीज है उसका रिस्क भी कम हो जाता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम प्रिवेंट कर सकें तो वो चीज़ बेटर है रादर देन क्योरिंग डायबिटीज़। क्योंकि ये इंसुलिन सेंसिटाइजर है, इस वजह से मेटफॉर्मिन लेने से आपकी शुगर डाउन भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये एक्स्ट्रा इंसुलिन तो नहीं दे रहा, ये आपके बॉडी के खुद के इंसुलिन की ही सेंसिटिविटी बढ़ा रहा है। आपका इंसुलिन बॉडी का आपके शुगर लेवल के हिसाब से ही रिलीज होगा, जैसे सब में होता है। इस वजह से मेटफॉर्मिन लेने से, चाहे आपको शुगर नहीं है फिर भी अगर आपने मेटफॉर्मिन लिया है तो आपकी शुगर डाउन नहीं होगी। इस समय मेटफॉर्मिन को एज एंटी एजिंग एजेंट भी स्टडी किया जा रहा है, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। बॉडी के अंदर जहाँ भी इन्फ्लेमेशन होती है वहाँ पर क्रॉनिक डिजीज होने का रिस्क रहता है। ये जो एज रिलेटेड डिजीजेज हैं इसको भी मेटफॉर्मिन कम करता है। एंटी एजिंग में अभी इसका वैलिड इंडिकेशन नहीं आया है, बट यू कैन इमेजिन इट इज़ अ गुड ड्रग। अब जब भी आपको मेटफॉर्मिन दिया जाता है, ये सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं, क्योंकि हर PCOD के केस में मेटफॉर्मिन देने की ज़रूरत नहीं होती। अगर उनके साइंस ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस है, वो उनको ओबेसिटी है, तो मेटफॉर्मिन उनके लिए हेल्पफुल होता है। काफ़ी केसेस में अगर मेटफॉर्मिन को ठीक से ना दिया जाए तो पेशेंट को बहुत ब्लोटिंग होने लगती है, वो अच्छे से टॉलरेट नहीं कर पाता मेटफॉर्मिन, और यही मेटफॉर्मिन का साइड इफेक्ट होता है, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल साइड इफेक्ट होता है। इसको भी मैनेज किया जा सकता है अगर डोज को स्लोली एंड ग्रेजुअली हम टाइट्रेट करें तो। सो आई होप मेटफॉर्मिन से रिलेटेड मैं आपके कुछ डाउट्स क्लियर कर पाई। इसके अलावा आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड यू कैन डिस्कस एनी अदर टॉपिक जिस पे आप चाहें कि हम वीडियो बनाएं।